नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे किचन में। तो आज हम बनाने वाले हैं कटहल की सब्ज़ी, जो कि खाने में तो बहुत ही लजीज लगता है और ये बनाने में भी बहुत आसान है। और जिनको कटहल का नाम सुन के ही आलस आता है बनाने के लिए, उसके लिए तो बेस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने कटहल थोड़ा सा काट लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं छोटा छोटा पीसेस में काट रखा है। अब इसको हम बॉईल करने रखेंगे कुकर में। हल्का सा इसमें नमक डालेंगे, इसको हम डालेंगे कुकर में और इसमें हम हल्का सा नमक भी डाल देंगे। इसको मैंने धुल लिया अच्छे से। थोड़ा सा इसमें नमक और बहुत ही थोड़ा सा पानी डालेंगे, जैसे कि देख सकते हैं आप, ये हमारा कटहल है। इसमें हम एक चम्मच इतना नमक डाल देंगे जिससे कि वो अच्छे से गल जाएगा। और इतना ही हम पानी, इतना देख रहे थे, इतना थोड़ा सा पानी डाल देंगे। कुकर का से लीड लगाकर हमें इसको तीन से चार सीटी आने तक इसको हम बॉईल कर लेंगे। कटहल में चौक लगाने के लिए हमने ले लिया है ये 2 कटा हुआ प्याज, 2 मीडियम साइज कटा हुआ टमाटर, 2 हरी मिर्च और ये जीरा एक आधा चम्मच, 2 ये तेज़ पत्ते। अब चलिए इसको चौक लगाते हैं। जब तक कि मेरा कटहल यहाँ उबल रहा है, 3 सीटी दे चुका है। अभी इसका फ्लेम हमने लो कर दिया है। अब ले लेंगे एक कढ़ाई। ये देखिए, इतना मैंने एक छोटा सा इतना कटोरी भर के हमने ले लिया है ऑयल। फ्रेंड्स, अगर आप हम थोड़ा ही इसमें ऑयल डाल रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा ऑयल अवॉइड कर रहे हैं हमारे यहाँ, बाकी इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच और ज़्यादा डाल सकते हैं आप। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि ये आप कोशिश करें कि लोहे का कढ़ाई हो। इससे क्या होता है ना कि एक अलग सी टेस्ट आती है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया ऑयल। अब इसमें डाल दिया मैंने जीरा। जीरा तड़कने लग जाए तब इसमें डालेंगे तेज पत्ते। ये देखिए, तेज पत्ते थोड़ा ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च जो हमने काट रखा था। ये मिर्च थोड़ा तल जाए, हल्का ब्राउन हो जाए, फिर इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। देखिए थोड़ा ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन पेस्ट। फ्रेंड्स, ये तरीका ना बहुत ही आसान है और जल्दी भी बनता है और टेस्टी भी उतना ही रहता है। अब इसमें डालेंगे प्याज, थोड़ा सा ये इसको 1 मिनट भूनेंगे, गैस का फ्लेम लो रखेंगे, लो मीडियम पे रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब देखिए मैंने डाल दिया है प्याज और इसको अब थोड़ा ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। गैस का फ्लेम बहुत हाई नहीं रखना है, मीडियम रखना है, मीडियम पे। आप चाहे तो इसमें 1/2 चम्मच, वैसे मैंने नमक तो पहले से ही कटहल में डाल रखा है इसलिए नमक इसमें अवॉइड करूँ, या फिर चुटकी भर नमक डाल सकती है, इससे प्याज अच्छे से गल जाएगा। अब इसको हम कवर करके 5 मिनट छोड़ देंगे। तो फ्रेंड, देख सकते हैं कि हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन, थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ टमाटर। हम
अब इसको फिर 5 मिनट के लिए हमें ढक के पका लेना है, जिससे कि टमाटर प्याज अच्छे से एकदम गल जाएगा। फिर उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे कटहल और उसके थोड़ी देर भुनेंगे मसालों के साथ। फिर हम इसमें ग्रेवी, अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, हो जाएगा हमारा कटहल रेडी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लजीज लगता है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए हम इसको अब कवर कर देते हैं। फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैंने इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ढक दिया था और टमाटर कितने अच्छे से गल गया है प्याज के साथ, और एकदम अच्छे से गल के मैश हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और इसको थोड़ी देर के लिए इसे ढक के फिर से रखेंगे, जिससे कि मसाले अच्छे से भून जाए। तो चलिए अब इसमें ऐड करते हैं पहले धनिया पाउडर, फिर ऐड करेंगे हम इसमें हल्दी पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर 2 मिनट और पकने देंगे। फ्रेंड्स, अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच गरम मसाला, वापस चलाते रहेंगे, मीडियम फ्लेम करेंगे लो फ्लेम पे। सारे मसाले हो गए हैं, अब हम इसमें डालेंगे कटहल जो कि हमने बॉईल करके रखा हुआ है। हमने कटहल का थोड़ा मैश कर दिया है, जिससे क्या होगा ना, आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा एवरेस्ट मसाला भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही थोड़ा, आधा चम्मच, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। और इसमें मैश करके कटहल डालने के से ये होता है कि ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी बनती है और बहुत अच्छा भी लगता है ऐसे खड़ा खड़ा कटहल। सबका अपना अपना पसंद होता है, चाहे तो मैश करें या फिर आपको गाढ़ी ग्रेवी चाहिए तो, या फिर वैसे भी डाल सकते हैं। मैंने तो उबाल के उसको मैश कर रखा है। जैसे कि देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितनी अच्छी इसमें मसाले भुन गए हैं और बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटहल, जो कि देखिए मैंने यहाँ मैश कर रखा है, तो उबालने के बाद इसको ना थोड़ा मैश कर दिया है, इससे क्या होता है कि ग्रेवी भी अच्छी बनती है। इसको ऐड कर दिया मैंने इसमें, इसको मिला लेंगे अच्छे से। मिलाने के बाद ना 2 मिनट इसको, 5 मिनट मैक्सिमम स्लो एकदम हल्के फ्लेम पे 5 मिनट और भूनेंगे। फ्रेंड्स, आप कोफ्ता बनाना भूल जाओगे ये रेसिपी खा लिया तो। कोफ्ता में जितनी झंझट होती है ना, कोफ्ता के कटहल उबालो, बॉल्स बनाओ, बेसन में फ्राई करो वगैरह वगैरह, बिल्कुल भी आसान रेसिपी है, वो सब तो आप बिल्कुल भी भूल ही जाने वाले हो। इसको ना ऐसे ही कंटिन्यूस चलाते हुए 5 मिनट और भूलना है। हाँ, तो फ्रेंड देख सकते हैं 5 मिनट हो गया है और कटहल काफ़ी अच्छे से भुन भी गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, और एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसमें कभी भी, इसमें क्या किसी भी सब्ज़ी में, अगर आप भुनने के बाद पानी ऐड कर रहे हैं, सब्ज़ी गर्म है वो पक रहा है, तो उसमें कभी भी ठंडा पानी यूज ना करें। ये देखिए मैंने गर्म पानी होने के लिए रख भी दिया है और ये पानी उबलने लगा है, उबलने वाला है। अब हम इसको उसी सब्ज़ी में ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपनी, आपको जितना भी ग्रेवी पसंद है
उतना पानी डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा चावल और रोटी के साथ खाना है, तो थोड़ा ग्रेवी बनाना पड़ेगा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको हम ढक कर पकाएंगे 15 से 20 मिनट। उसके बाद आपका सब्जी रेडी है। पकने के बाद आपको दिखाते हैं इसका टेक्सचर, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना बढ़िया एक नंबर सब्जी बनकर रेडी हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे, गार्निशिंग कर देंगे धनिया पत्ती का हरा, और बस अब ये रेडी है। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना फ्रेंड्स। देख सकते कितनी बढ़िया टेक्सचर और कितना बढ़िया लुक आ रहा है इसका। तो अगर वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना फ्रेंड्स, और इसे आप चावल रोटी किसी के साथ भी इंजॉय करिए। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।